guess I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में फ्रेंड्स, मेरे पास है मोटो का G51। अगर आप इस फोन में अपने एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इस फोन में आप अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस फोन में ये वाला फीचर आपको बाय डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी आप इस फोन में अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कैसे हाइड करना है। जैसे कि आपने कोई गेम वगैरह इस फोन में इंस्टॉल किया है और उसको आप हाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जाना है प्ले स्टोर में, यहां से आपको सर्च करना है सी लॉन्चर। सिंपल यहां पे आप सी टाइप कीजिए और लॉन्चर लिख दीजिए, ऊपर आपका ये आ जाएगा। आप इसको यहां से इस तरीके से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। यहां पे मैं कुछ सेटिंग बताने वाला हूं जो कि आपको फॉलो करनी है, जिसके बाद आप इस फोन में अपने एप्लीकेशन को हाइड कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसको ओपन कीजिए, स्टार्ट देखिएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे इस एप्लीकेशन की जो थीम है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे करंट पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपकी इस तरीके से थीम अप्लाई हो जाती है। तो आपको फोन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, मतलब एक अच्छा भी लुक देखने को मिल जाएगा आपको इस एप्लीकेशन की मदद से। अब करना क्या है फ्रेंड्स, आपको एक बार बीच वाला बटन फिर से प्रेस करना है और यहाँ आपको सी लॉन्चर है वो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर से आपको एक बार क्लिक करना होगा बीच वाला बटन, फिर आपका सी लॉन्चर है वो ऊपर देखने को मिलेगा, फिर आप इस पर ऑलवेज पर क्लिक कर दीजिए। इस पर ऑलवेज पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट में लॉन्चर सेट हो जाता है। अब एप्लीकेशन किस तरीके से हाइड कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आपको टू फिंगर लेना है और इस तरीके से पिंच आउट करना है स्क्रीन पर। सेटिंग दिखेगी नीचे, इस पे जाइए। अब एक पासवर्ड बना लेना है जो कि आप ऐप हाइड में ही काम आएगा। तो यहां मर्जी चाहे आप वो पासवर्ड बना सकते हैं, मैं 1234 डाल देता हूं। इसके बाद आप देखेंगे यहां पे आपका पेंसिल का आइकन देखने को मिल जाता है, इस आइकन पर क्लिक करना है। तो यहां देख सकते हैं आपको वो सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं इस फोन के अंदर जो कि आप हाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि बैटरी ग्राम मोबाइल इंडिया हाइड करना है तो इस तरीके से इस पर सेलेक्ट करेंगे। गूगल क्रोम हाइड करना है तो इस पर सेलेक्ट करेंगे। जो भी एप्लीकेशन आप हाइड करना चाहते हैं, गेम वगैरह इंस्टॉल कर रखे हैं, छुपाना चाहते हैं उनको आप, तो इस तरीके से उसको सेलेक्ट कर दीजिए एंड ओके करना है। आपको ओके करते ही आप देखेंगे आपके ये हाइड हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनको एक्सेस कैसे करना है। डेस्कटॉप आएंगे तो यहां कहीं देख सकते हैं, कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे आपको। अब इनको एक्सेस करने के लिए सिंपल टू फिंगर से फिर से पिंच आउट कीजिए। जो पासवर्ड आपने बनाया था वो आप यहां पर लगा दीजिए। जैसे आप पासवर्ड लगाएंगे आपके सामने सभी हिडन ऐप आपको देखने को मिल जाएंगे। अनहाइड करना चाहते हैं तो सिंपल आपको फिर से पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। यहां सेलेक्टेड है ये एप्लीकेशन, इनको अनसेलेक्ट कर दीजिए। इस तरीके से अनसेलेक्ट करेंगे तो ये अनहाइड हो जाते हैं, ओके कर देंगे। अब जैसे कि स्क्रीन पर आएंगे तो यहां देख सकते हैं आपका अनहाइड ऐप आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप इस फोन में अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।